देखिए 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र में इन दिनों 9 दिनों के दौरान दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। गुजरात में खास तौर पर माता की आराधना के साथ साथ गरबा का भी विशेष महत्व है, जिसके लिए महीनों से ही गरबा प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आपको लेकर चलते हैं कैसे ही गरबा क्लास में, जहाँ लड़के लड़कियाँ जमकर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, लोग माता की आराधना करेंगे, लेकिन गुजरात में माता की आराधना के साथ रास गरबा के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लब में होंगे। मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से गरबा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी नवरात्रि को कुछ दिनों की देर है, लेकिन किस प्रकार से लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पार्टी प्लॉट हो, चाहे क्लब हो या फिर सोसाइटीज हो, लोग इसी प्रकार से नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। रात को लगभग 2 से 3 बजे तक जो गरबा होता है वो इसी प्रकार से खेलते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। जो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटेड? क्योंकि जब भी गरबा खत्म होता है लोग अगले साल इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी नवरात्रि आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का दिगे है और मैं ये ग्रुप से पिछले 7 साल से ज्वाइन हूँ। और एक्साइटमेंट तो भयंकर ज्यादा होता है। हम लोग लिटरली हमारा 3 महीने का वर्कशॉप खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या नया लेंगे, क्या नए कॉस्ट्यूम्स लेंगे, क्या नया स्टेप्स में वेरिएशंस लाएंगे। तो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत होती है और हमारे भी बहुत होती है। लोग थकते नहीं क्योंकि इतने सारे, लगभग यहाँ पे 60-70 लोग हम देख पा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नवरात्रि तक पहुंचते पहुंचते थकान नहीं लगती? क्योंकि आम दिनों में तो लोग बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन सब भूल जाते हैं। हम लोग गुजराती है यार, गुजरात में तो ऑलवेज क्रेज तो रहेगा ही। तो हम अभी से तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि गरबा क्लास चालू करना है, गरबा सीखना है। तो 3 महीने से पहले हम लोग गरबा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और लोग बहुत बहुत क्रेज है लोगों को कि हम लोग को गरबा सीखना है करके। आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास में जो युवक और युवतियां हैं वो किस प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये गरबा की प्रैक्टिस के जो कार्यक्रम जो अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस होती हैं वो दृश्य हैं। नवरात्रि के जो दृश्य होंगे वो 3 तारीख से दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ गरबा सिखाने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं। कितना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है और कितने दिन पहले से लोग इस प्रकार से नवरात्रि को लेकर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं? नवरात्रि के 3 महीने पहले यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और कई के गरबा क्लास तो 4 महीने पहले भी शुरू कर देते हैं लोग, और बहुत लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं। हर गरबा क्लास में हमारे टोटल जितने ब्रांचेस में ओवर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ पे गरबा सीख रहे हैं। लोग पासेस का भी व्यवस्था करते हैं, अगले दिन से ही चिंता रहती है कि कल कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से लोग ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं? अहमदाबाद में काफ़ी वेन्यू है जहाँ पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज हो रही है अभी, तो काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, तो पासिस के हिसाब से बहुत दिक्कत हमें आती है क्योंकि 300+ हर रोज़ कर रहे हैं हमें। तो हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हमारे ग्रुप का कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनके साथ कॉलैब करके पास परचेज करते हैं।